यमुनानगर के सडोरा में दर्दनाक हादसा हो गया। हैफेड गोदाम में खोदे गए गड्ढे में दो मजदूर दब गए और एक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सडोरा के दो सड़का मार्ग पर हैफेड के गोदाम में नलकूप लगाने के लिए खुदाई की जा रही थी। उस वक्त करीब 10 फुट गहरे गड्ढे में वेल्डिंग का काम कर रहे दो मजदूर दब गए। आसपास के लोगों और पुलिस की मदद से उन्हें निकाला गया। दोनों को तुरंत अस्पताल भिजवाया गया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने मुकेश नाम के मजदूर को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे मजदूर अमन की हालत नाजुक बनी हुई है। अभी तक ये पूरा हादसा ठेकेदार की लापरवाही से ही माना जा रहा है। इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए SHO सडोरा बलबीर सिंह ने बताया कि नलकूप लगाने के लिए खुदाई का काम चल रहा था। नीचे कोई पाइप टूट गई थी, उसी की वेल्डिंग के लिए दो मजदूरों को बुलाया गया था। जिस वक्त वो काम चल रहा था, तभी अचानक मिट्टी की डांग उन पर गिर गई और वह दब गए। जैसे ही हमें सूचना मिली, हम टीम के साथ पहुंचे। हमारी टीम और आसपास के लोगों की मदद से दोनों मजदूरों को नीचे से निकाला गया और तुरंत अस्पताल भिजवाया गया, जहां अस्पताल पहुंचने पर एक मजदूर को डॉक्टर्स की टीम ने मृत घोषित कर दिया। इस पूरे मामले में जो भी बयान और जो तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सरकारी अपना कोई ट्यूब लगवाया जा रहा था ठेकेदार के द्वारा, और वहाँ पे जो है ना पाइप नीचे चले गई, तो वेल्डिंग के लिए इनको बुलाया गया था। जैसे इनको बुलाया, वहाँ ये काम कर रहे थे वेल्डिंग, तो एकदम से ढांग गिर गई कच्ची मिट्टी की ऊपर, उसमें नीचे दो जो काम कर रहे थे वेल्डिंग का, वो दब गए थे। उनको हमें सूचना मिलते ही हम मौके पर गए। वहाँ पे आसपास के लोगों की सहायता से, मुलाजिमों की सहायता से एम्बुलेंस में बुला के उसको भेज दिया इलाज के लिए हॉस्पिटल में। हाँ जी, उन्होंने सहायता से निकाला। मुलाजिम भी थे और पब्लिक मैन भी आसपास, उनकी भी मदद ली और उनको निकाल के हॉस्पिटल इलाज के लिए भेज दिया। बाकी भी जैसा भी कोई बयान ये देंगे जिनके बारे में मौके पर हमारे कार्रवाई में बुलाए।